हाई एवरी वन का आज का टॉपिक है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है इसके क्या कॉजेज हैं और इसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं राइट जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे साथ जुड़ने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर या टेलीग्राम पे एज़ आई ऑलवेज से टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस तो डाउट क्लियरेंस मिलके करेंगे तो आपके डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे ओके uh, okay, अब हम टॉपिक को uh, कोई टाइम वेस्ट के बिना शुरू करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात हो रही है uh, ये शुरू करने से पहले थोड़ा सा पहले मैं आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में बताऊंगी और uh, एक जनरल सी चीज़ कि हम देख रहे हैं सुन रहे हैं न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं हर जगह कि क्लाइमेट में काफ़ी चेंज आ रहा है ये हमको कैसे पता चलता है जिस तरह से आपके रेनफॉल के पैटर्न्स चेंज होते हैं आपके स्नो का पैटर्न चेंज होता है तो आपको पता चलता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है और मेजरली ये सब चीज़ें किस वजह से हो रही हैं बहुत ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटी जो एक मेजर पार्ट इसमें प्ले करता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ एक रीज़न है जिस वजह से क्लाइमेट चेंज जो है वो हो रहा है वैसे नेचुरल पेस पे भी आपका क्लाइमेट जो है वो चेंज होता है हंड्रेड इयर्स के पेस पे लेकिन अब ये ह्यूमन इंड्यूस्ड है ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटी से हो रहा है तो जल्दी हो रहा है तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं ह्यूमन की किस तरह की Uh, अगर बोलेंगे ह्यूमन एक्टिविटी किस तरह की पहले तो आ गया जैसे आपका डिफॉरिस्ट्रेशन कि इतने ज़्यादा पेड़ हम काट रहे हैं तो एक नेचुरल इन्वायमेंट क्लाइमेट का जो बैलेंस है उसको बिगाड़ रहे हैं उसके बाद जिस तरह से हम कोल को बर्न करते हैं फॉसल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिस्पॉन्सिबल हैं क्लाइमेट चेंज के, uh, के लिए और इसमें ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का भी रोल है लेकिन ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एक नेचुरल प्रोसेस है अर्थ का लेकिन हम उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से तो चलिए यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का रेफरेंस देना जरूरी था क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट हम पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि कैसे आ, पहले मैं रीड आउट करती हूँ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस बाय विच रेडिएशन फ्रॉम द सन आर एब्जॉर्ब बाय द ग्रीन हाउस गैसेस अब कुछ गैसेस होती हैं जी एच जी जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं अब ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्रोसेस है जो कि सन से सूरज से जितनी भी रेडिएशंस आपकी ज़मीन की तरफ आती हैं उनको ये गैसेस एब्जॉर्ब करती हैं और वापस रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देती स्पेस में जैसे यहाँ पे आई कुछ रेडिएशंस अर्थ के यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई अर्थ के सरफेस पे, जिससे अर्थ का सरफेस गर्म रहेगा कुछ रेडिएशंस आपकी वापस चली गई अर्थ आ, सम सोलर रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर ने भी रिफ्लेक्ट कर दिया अर्थ ने भी रिफ्लेक्ट कर दिया लेकिन फिर बीच में आती हैं आपकी ग्रीन हाउस गैसेज जी अब ये क्या करती हैं ये जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस uh, हैं इनको ट्रैप कर लेती हैं इनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं राइट right? तो ये इसलिए लिखा है ये जो सन की रेडिएशंस हैं दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेज ओके कुछ तो चली गई लेकिन कुछ यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई ग्रीन हाउसेज ग्रीन हाउस गैसेज द्वारा दिस इंसुलेट्स द सर्फेस ऑफ अर्थ एंड प्रिवेंट्स इट फ्राम फ्रीजिंग तो ये फेनोमेना बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर सारी की सारी रेडिएशन वापस बाहर चली जाएंगी तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा तो ये चीज़ इंसुलेट करती है और हमारा जो अर्थ है वो फ्रीज नहीं होता एकदम ठंडा नहीं पड़ता तो आई होप ये ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको पता चलेगा क्योंकि यूजली जब हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात सुनते हैं तो हम बोलते हैं ओके okay, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है राइट right? या फिर हम बोलते हैं इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल इफेक्ट है अब हम उसको ये जो अब जैसे मैंने बोला ये ग्रीन हाउस गैसेस जो है ये एब्जॉर्ब कर लेती है अब ये अगर जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होने लग जाएगा टेम्परेचर राइज होने लग जाएगा फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट अच्छी बात नहीं है लेकिन अदरवाइज़ ये एक नेचुरल फिनना है चलिए हम आगे देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पहले देखिए हम इसको जब भी ग्रीन हाउस वर्ड पढ़ते हैं तो ग्रीन हाउस एक घर है जिसको ग्लास से बनाया गया है या किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बनाया गया है जिसके अंदर हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो ग्रीन हाउस हम खुद ये इफेक्ट क्रिएट भी करते हैं आर्टिफिशियली तो वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए तो ये अर्थ के जैसा जैसे मैंने आपको इस पिक्चर में दिखाया सेम इसी तरह का फनोमिना uh, यहाँ पे हो रहा है सन की रेडिएशंस ओके सॉरी या सन की रेडिएशंस यहाँ से आ रही हैं एब्जॉर्ब कर रहे हैं प्लांट्स लेकिन जब ये रिफ़्लेक्ट बैक हो रही है तो ग्रीन हाउस में क्या होता है इस तरह का मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया जाता है कि ये यह यहाँ से इन रेडिएशंस को बाहर नहीं जाने देता और अंदर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होने लगता है देखिए जब भी सूरज की रोशनी जो है वो uh, ओके okay, सूरज ओके okay, इसकी रोशनी जब अर्थ की तरफ आती है उसके बाद जब ये रिफ्लेक्ट बैक होती है तो लॉन्गर वेवलेंथ में होती है इन्फ्रा जिसको बोलते हैं हीटिंग रेडिएशन जिसको बोलते हैं तो यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ होता है वो इस तरह का मटेरियल होता है जो कि इन रेडिएशंस को ये जो लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशंस है इनको बाहर नहीं जाने देता ओके okay, तो ये हो गया आपका ग्रीन हाउस तो यहाँ पर क्या लिखा है द सन्स रेडिएशन वार्म द प्लांट्स एंड द एयर इन साइड द ग्रीन हाउस गर्म हो जाएगी द हीट ट्रैप्ड इन साइड के नॉट एस्केप आउट ये जो हीट है ये बाहर नहीं जा पाएगी और ये प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है उनकी ग्रोथ के लिए तो आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रीन हाउस हम खुद भी क्रिएट करते हैं तो चलिए यहाँ पे जानते हैं कि इम्पोर्टेंस इंपॉर्टेंस क्या है ओके इंपॉर्टेंस पढ़ने से पहले देखिए इन अ ग्रीन हाउस द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन विजिबल एंड एडजस्टिंग पोर्शंस ऑफ इन्फ्रा रेड एंड अल्ट्रा वायल्ट रेंजेस ऑफ द स्पेक्ट्रम पासिस ग्लास रूफ एंड वॉल्स जो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की है वही यहाँ पर लिखी हुई है कि किस तरह से इस ये जो पिक्चर है स्पेशली किस तरह से रूफ वॉल से अंदर आता है री एमिट होता है ओके okay, और बाहर नहीं जा पाता अब ग्रीन हाउस गैसेस कर पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इम्पॉर्टेंस पढ़ लेंगे कि ये जो नेचुरल ग्रीन हाउस क्रिएट हो रहा है इसका क्या इम्पॉर्टेंस है देखिए पहली बात ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एक नेचुरल फिनोमेना है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से अर्थ के ऊपर मौजूद है लाइफ भी इसी की वजह से है अगर टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाएगा अर्थ फ्रीज हो जाएगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है उसके बाद 90 टुगेदर मतलब अगर आप बात करें ये ग्रीन हाउस इफेक्ट मेजरली जो आपके वाटर वेपर्स पसंद है, आ, आ, हैं सॉरी प्रेजेंट हैं एटमॉस्फेयर में ओके और जितने भी वहाँ पे स्मॉल पार्टिकल्स या गैसेस प्रेजेंट हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं उनकी वजह से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बना रहता है और इसी की वजह से अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है टेम्परेचर है वो अराउंड 15 डिग्री सेल्सियस मेंटेन्ड है जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो एवरेज टेम्परेचर अर्थ का माइनस सेवनटीन डिग्री हो जाएगा जिसका मतलब है लाइफ होना वहाँ पे बहुत मुश्किल है तो ये इंपॉर्टेंट है कि जितनी लाइफ हमको यहाँ पे दिख रही है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से है तो अब हम शिफ्ट होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जैसे मैंने बताया ये वो गैसेज हैं जो इंफ्रा रेड जो रिफ़्लेक्ट बैक होती हैं या फिर आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं रीएमिट होता है ये क्रिएट करता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट फॉर एग्जांपल, कौन कौन सी गैसेस? बहुत सारी हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे दो तो एग्जांपल्स लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड है क्लोरोफ्लोरोबंस है देखिए कई बार ऑब्जेक्टिव में बहुत सारी गैसेस का नाम आता है कि क्या ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन बता दूंगी जैसे यूजुअली अगर आ जाए ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन अब देखिए ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में कौन कौन से आते हैं जैसे कि आपका जैसे नॉर्मल ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला एन होता है तो इसमें आपका एन NO आ रहा है एन आ रहा है राइट और फिर आपका एन आ रहा है एन NO को हम क्या बोलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड एन जो है इसको बोलते हैं दो ऑक्सीजन है तो ये नाइट्रोजन डाई होगा ओके okay, तो ये वाली होती है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड अब इसमें सिर्फ ग्रीन हाउस गैस आपकी नाइट्रस ऑक्साइड है जो एनओ एन टू है यानी आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इनका कूलिंग इफेक्ट होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट से ऑपोजिट इफेक्ट होता है तो कभी अगर ऑप्शन में आता है इस तरह का को कोई सवाल तो एक्सेप्शन आपको याद रखनी है कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में सिर्फ नाइट्रोस ऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस है बाकी जो है उनका कूलिंग इफेक्ट होता है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो कभी ऑब्जेक्टिव आपका गलत नहीं होगा ओके okay, तो ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में हम बात कर रहे थे अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं अगर इन पे चेक नहीं रखा जाएगा और ये एटमॉस्फेयर में जरूरत से ज्यादा हो जाएंगी तो क्या होगा आपका टेम्परेचर अर्थ का टेम्परेचर मतलब आपका टेम्परेचर एज इन अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा राइट वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लग जाएगा जरूरत से ज्यादा तभी हम क्या बोल रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और टेम्परेचर इंक्रीज होने के बहुत ही ज्यादा खराब इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे आपकी स्नो जो है वो मेल्ट होगी पोलर आइस आपकी मेल्ट होगी एलनीनो जैसे इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेंगे बायोडाइवर्सिटी जो है उस पर भी बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट मिले पड़ेगा तो ये सब हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन ये पॉइंट्स आपके माइंड में रहने चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेस को अगर चेक नहीं किया गया तो इनका कितना डिलीटीरियस इफेक्ट जो है वो अर्थ पे होगा देखो एक टर्म होती है क्रायोसिफियर क्रायोसफियर अर्थ का वो पार्ट है जहाँ पे पानी जो है वो स्नो की फॉर्म फॉर्म में ट्रैप्ड है लेकिन अब वो भी मेल्ट होने लग जाए तो सी में इतना पानी हो जाएगा थर्मल एक्सपांशन की वजह से कि जितने हमारे कोस्टल सिटीज हैं वो सब पानी में आ जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि अल्टीमेटली इससे कितना खतरा हो सकता है तो ये टेबल देखिए ये सब आपकी ग्रीन हाउस कैसेज हैं ये इनके सोर्सेज हैं कार्बन डाइऑक्साइड इसका सोर्स क्या है या तो फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं या डिफोरेस्ट्रेशन करते हैं तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हवा में एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाता है क्लोरोफ्लोरो क्लोरोफ्लोरोबन अब आप मुझे बताएंगे कन्वेंशन वाला वीडियो मैंने पहले बनाया है अगर आपने देखा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी कन्वेंशन थी इन्वायरमेंट कन्वेंशन जहाँ पे सी एफ सीज़ को बंद किया गया उस पर बैन लगाने की बात की गई ओके okay, तो ये सी एफ सीज आपके कहाँ से रिलीज होते हैं रेफ्रिजरेशन से सॉलवेंट इंसुलेशन फोम एरोप्रोपेलेंट्स इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल यूजेज ये इसके सोर्सेज हैं फिर आगे गई मिथेन ये कार्बन डाइऑक्साइड देखिए बहुत ही मेजर ग्रीन हाउस गैस है उसके बाद मिथेन आती है तो मिथेन जब हम पैडी ग्रो करते हैं वहाँ से रिलीज होती है जितना आपका ऑर्गेनिक मैटर है ओके सपोज बायोगैस है एक्सक्रीटा अदर लाइफ स्टॉक टर्माइट्स फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज फॉसिल फ्यूल वुड लैंड फ्यूल्स यहाँ ये इसके सोर्सेज हैं फिर आगे आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड बट यहाँ पे देखो ब्रैकेट में ऑक्साइड में लिखा भी है कौन सी एन टू ओ नाइट्रोस ऑक्साइड तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स क्योंकि यूजली हम नाइट्रोजन ऑक्साइड्स पढ़ते हैं और अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए तो कोई सी भी टिक कर देते हैं तो आपको याद रखना है एन एन ओ टू और नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फर्टिलाइजर्स बर्निंग ऑफ वुड एंड क्रॉप रेजिड्यू ये इसके सोर्सेज हैं कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन कोर स्मेल्टिंग बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स बर्निंग ई वेस्ट तो इनके सोर्सेज आपको याद रखने हैं ग्रीन हाउस गैसेज के सोर्सेज हैं अब हम इन गैसेज को ही थोड़े डिटेल में पढ़ते हैं लेकिन उससे पहले देखिए मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स ग्रीन हाउस गैसेज के जितनी भी फैक्ट्रीज हैं ऑटोमोबील्स हैं जो गाड़ियाँ चलती हैं डिफोरेस्ट्रेशन है तो इन सब की वजह से ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो इंक्रीज हो रही हैं उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेज नेवर लेट द रेडिएशन्स टू एस्केप तो देखिए क्योंकि इनकी टेंडेंसी है जो भी गैस होगी ये इन्फ्रा रेडिएशन को ट्रैप कर लेगी तो ये उसको एस्केप नहीं करने देगी अर्थ के बाहर तो आपका जो सरफेस टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा अल्टीमेटली इससे क्या हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग का जो फिनना है ये हम पूरे अलग से भी पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग को लेकिन ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रही है मेन रूट कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट की ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं देखिए इफेक्ट जो है वो नेचुरल फिनोमिना है लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है जब इन गैसेज पर कोई चेक नहीं हो रहा है ओके okay, अब हम इन गैसेस को पढ़ते हैं देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है ट्रांसपेरेंट है इनकमिंग सोलर रेडिएशन की ओपेक एंड बट ओपेक है आउटगोइंग जितनी भी आपकी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है तो ये इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है लेकिन विद टाइम हमने क्या देखा है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन एटमोसफेयर uh, में इंक्रीज होता जा रहा है इसका क्या एक फेनोमेना होता है कि जहाँ पे अर्थ का सरफेस है वहाँ पे ये डेंस होती है ज़्यादा होती है इसका कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का धीरे धीरे ऊपर जाते हुए इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होता है और ये एयर से डेंसर है नेक्स्ट है आपकी ओजोन ओजोन भी इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है लेकिन ये सरफेस के पास बहुत कम प्रो, प्रोपोर्शंस में जो है वो पाई जाती है ज़्यादा अगर आप देखें तो ये कौन से स्पेयर में पाई जाती है स्ट्राटो सिफियर में ओके okay. स्टार्टोसिफेयर में आपकी ओजोन पाई जाती है क्योंकि ये हार्मफुल रेडिएशन यूवी को एब्जॉर्ब करती है लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे ओजोन कहाँ से आती है जितने भी आपके आप देखेंगे पल्यूटेंट्स हैं जैसे कि एन ओ टू ये रिएक्ट करती है बाकी के ऑर्गेनिक कंपाउंड से और उसका बाय प्रोडक्ट जो है वो ओजोन बनता है राइट right? तो ये भी ग्रीन हाउस गैस इंक्रीज हो रही है फिर वाटर वेपर्स भी एक वेरिएबल गैस है एटमोस्फेयर में जो कि ऑल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज होती है लेकिन ये भी एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है वाटर वेपर्स जितने भी हैं आपके कुछ एरियाज़ में ज़्यादा पाए जाते हैं पोलर और इक्वेटर की बात करें ओके वाटर वेपर ऑल्सो डिक्रीज होते हैं फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल तो लेकिन ये भी आपका ग्रीन हाउस गैस है क्योंकि ये जो री एमिट होती हैं रेडिएशंस उनको एब्जॉर्ब करते हैं उसके बाद आएगी आपकी मीथेन जैसे बोला कार्बन डाइऑक्साइड के बाद मीथेन बहुत इंपॉर्टेंट गैस है ये एनिमल वेस्ट और बायोलॉजिकल मैटर जितना भी होता है जैसे जैसे वो डिकम्पोज होता है तो मिथेन रिलीज होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप बोलें ग्रीन हाउस गैस कौन सी है तो वो मिथेन है और गोबर गैस जैसे मैंने आपको बताया गैस गोबर गैस वो मिथेन ही होती है फिर आगे आपका नाइट्रस ऑक्साइड तो यहाँ पे जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई वही लिखी है कि भाई NO और NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं इसको NO को और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्साइड एमिशंस जो हैं ये ग्लोबल कूलिंग करते हैं क्योंकि ओएच रेडिकल्स फॉर्म करते हैं ओके ये मिथेन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और ग्रीन हाउस गैसेस का जो इफेक्ट है उसके ऑपोजिट काम करते हैं तो इसलिए ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी है नाइट्रस ऑक्साइड ऑलमोस्ट थ्री टाइम्स मैं रिपीट कर चुकी हूँ इसको कभी गलत मत कीजिएगा ओके okay, इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड ग्रीन हाउस गैस है ये एयर से थोड़ी लेस डेंस रहती है उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं कुछ एग्जाम्पल्स में आपको और देती हूँ इनको बोलते हैं फ्लोर फ्लोरिनेटेड गैसेस ओके यहाँ पे लिख देती हूँ एफ एल यू ओ आर आई एन ए टी टी फ्लोरिनेटेड गैसेज अब फ्लोरिनेटेड गैसेस में आते हैं आपके क्लोरो uh, कार्बन आएंगे आपके हाइड्रो कार्बन आएंगे आपके पर फ्लोरो कार्बन आएंगे ओके पर फ्लोरो कार्बन पी एफ आएंगे फिर आपकी आती है एक और इसमें सल्फर हेग्जा फ्लोराइड तो इन सबको डिटेल में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है और देखिए जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था सी को कब फेस आउट किया गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो जो कि ओजोन डिप्लेशन का पार्ट सी एफ सी रहती है इसलिए ब्लैक कार्बन ये एक सॉलिड पार्टिकल है एरोसोल का जो कि ऑब्वियसली गैस नहीं होता ब्लैक कार्बन ये कंट्रीब्यूट करता है एटमॉस्फेयर को गर्म करने में ग्लोबल वार्मिंग में इसको हम ब्लैक कार्बन को यूजुअली क्या बोलते हैं सूट तो सूट क्या है एक पर्टिकुलर एयर पोल्यूटेंट है जो कि कैसे प्रोड्यूस होता है इनकम्प्लीट कम्बस्शन जब कम्बस्शन का प्रोसेस आपका पूरा नहीं हो सकता तो आपका ब्लैक कार्बन रिलीज होता है इसी तरह से आपका ब्राउन कार्बन भी है ये भी हर जगह पाया जाता है बायोमास बर्निंग इज शोन टू बी द मेजर सोर्स ऑफ ब्राउन कार्बन ब्राउन कार्बन आपका बायोमास बर्निंग की वजह से आता है और ब्राउन ब्राउन कार्बन जो है इसको ग्रीन हाउस गैसेस और देखिए ब्राउन कार्बन इज जनरली रेफिड फॉर ग्रीन हाउस गैसेज एंड ब्लैक कार्बन फॉर पार्टिकल्स रिजल्टिंग फ्रॉम इम्प्योर कंबस्टन जैसे सूट या डस्ट तो दोनों में ये डिफरेंस है कि कहाँ कहाँ से इनको रेफर किया जाता है अब आगे देखिए GHG प्रोटोकॉल के बारे में मैं आपको बताती हूँ ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए कुछ इस तरह के टूल्स बनाए गए ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई किस चीज के लिए कि काफी सारी कंट्रीज सिटीज कंपनीज को मदद मिल सके वो ट्रैक कर सकें अपने क्लाइमेटिक गोल्स को कि उनके क्लाइमेटिक गोल्स क्या हैं जीएचडी प्रोटोकॉल इस्टेब्लिश फ्रेमवर्क टू मेजर एंड मैनेज ग्रीन हाउस गैस की अल्टीमेटली बात क्या की गई है जीएचडी प्रोटोकॉल में कि ग्रीन हाउस गैसेस को किस तरह से मेजर करना है आपको पता चले कि आपकी कंपनी या आपकी कंट्री आपका जो सिटी है शहर है वो कितनी गैसेस एमिट कर रहा है और आपने उनको कैसे मैनेज करना है और ये अमिशंस कंट्री सिटीज कंपनीज से तो हो ही रही हैं चाहे वो आपके प्राइवेट सेक्टर से आ रही हैं उनके ऑपरेशन से आ रही हैं या पब्लिक सेक्टर ऑपरेशन से आ रही हैं तो इनके लिए क्या कैसे रोकना है मिटिगेशन एक्शन इनके लिए क्या होंगे इन सब के लिए जी प्रोटोकॉल जो है वो लाया गया यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जी प्रोटोकॉल की डब्ल्यू क्या है वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यहाँ पर मैं लिखती हूँ वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट तो बोल रही हूँ साथ साथ आप भी लिख, लिख लीजिए इसके साथ एक और है डब्ल्यू बी सी एस टी वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल 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 डेवलपमेंट जब इन दोनों इंस्टीट्यूट्स ने नाइनटीन में ये नोटिस किया कि अब हमको जी एच जी ग्रीन हाउस गैसेस पे कंट्रोल करना पड़ेगा तब इन्होंने बहुत सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो डिसाइड किए जिसको हम जी जी प्रोटोकॉल कहते हैं अब नॉर्मल सी बात है कि जैसे मैंने बोला कॉजेस अभी तो हम काफी सारे काफी बार कॉजेस की बात कर ली क्योंकि देखिए ग्रीन हाउस गैसेस के जो कॉजेज हैं जो सोर्सेज हैं वही कॉजे रहेंगे आपके ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट जो इंक्रीज हो रहा है फॉसल फ्यूएल्स आप बर्न कर रहे हैं तो हमारे पार्ट है फॉसिल फ्यूल्स हमारी लाइफ का हमारी गाड़ियाँ इस पर चल रही हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी इस पर आ रही है राइट right? तो इससे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होती है और जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ भी उतना इंक्रीज़ हो रहा है इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज एटमोसफेयर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं एक कॉज ये है डिफॉरेस्ट्रेशन अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है सबको रहने की जगह चाहिए अर्बन एक्सपेंशन हो रही है तो जंगल पेड़ जो हैं वो काटे जा रहे हैं अब जब वो काटे जाएंगे तो प्लांट्स क्या है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन रिलीज करते हैं तो अब कार्बन डाइऑक्साइड कौन एब्जॉर्ब करेगा और जो थी वो वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हो आप तो इससे भी आपका ग्रीन हाउस गैस का कंटेंट जो है वो इंक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज होगा फार्मिंग यहाँ पे आप नाइट्रस ऑक्साइड की बात कर सकते हो फर्टिलाइज़र्स में यूज़ होती है वो भी ग्रीन हाउस गैस है उसके बाद आपके इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड लैंडफिल्स हैं इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज़ आपकी सारी बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस जो हैं वो रिलीज़ करती हैं जो एटमॉस्फेयर में जाते हैं लैंडफिल्स जो हैं वो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती हैं मिथेन रिलीज करती हैं जो कि आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं तो ये सब क्या हैं आपके कॉजेज़ uh, ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज होने के तो अब ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज हो रही हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो जब हर चीज ओवर होगी तो क्या होगा इफेक्ट क्या होगा पहला इफेक्ट है आपका ग्लोबल वार्मिंग अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग हम बार बार बोल ही रहे हैं कि जो टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है एक ऐसा फेनामिना जिसमें ग्रेजुअली बहुत स्लोली आपका टेम्परेचर जो है अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है अर्थ के एटमॉस्फेयर का मेन कॉज़ आपके इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं जो जो किस वजह से हो रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहे हैं आपकी ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो इंक्रीज हो रही हैं फॉसिल फ्यूल्स आप बर्न कर रहे हैं वो सारी ग्रीन हाउस गैसेस जा रही हैं तो ये इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा ग्लोबल वार्मिंग फिर ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है ओजोन लेयर आपको पता है हमको हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाती है ये अपर रीजन्स जो हैं अर्थ के वहाँ पे आपको मिलेगी स्टार्टोस्फेयर में सबसे ज़्यादा मिलेगी अब ओजोन लेयर अगर डिप्लीट होगी तो यूवी वी आपकी कहाँ पे आएंगी अर्थ में एंटर करने लग जाएंगी उसे स्किन कैंसर होगा और क्लाइमेट भी आपका ड्रास्टिकली चेंज होगा मेजर कॉजेज इसके क्या हैं ग्रीन हाउस एक्यूमलेशन जैसे आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया मीथेन हो गया तो ग्रीन हाउस गैसेज किसी के लिए भी अच्छी नहीं है ओजोन के लिए भी नहीं उसके बाद स्मॉग एंड एयर पोल्यूशन ये भी आपका ग्रीन हाउस की वजह से हो रहा है स्मॉग जो है कि किसका कॉम्बिनेशन है स्मोक प्लस फॉग तो ये नेचुरल और मैन मेड एक्टिविटीज़ दोनों की वजह से स्मॉग जो है वो बनती है बट डेफिनेटली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की वजह से जितना पोल्यूशन हो रहा है तो ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये गैसेस पोल्यूशन भी कॉज करती हैं वाटर बॉडीज में एयर पोल्यूशन होगा एसिडिफिकेशन होगा टोटल ग्रीन हाउस गैसेज एयर में अगर इंक्रीज हो जाएंगी तो वाटर बॉडीज को स्लोली वो एसिडिक बनाएंगी क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेज रेन के साथ मिक्स हो जाएंगी और एसिड बनाएंगी और वो एसिड अल्टीमेटली आपकी वाटर बॉडीज में जाएगा फिर इसके बाद एक रन वे ग्रीन हाउस इफेक्ट हम बोलते हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है जिससे एक्सटेंशन भी हो सकती है रन वे ग्रीन हाउस गैसे इफेक्ट ये है कि इतनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस हो गई एटमोसफेयर में कि बिल्कुल भी कोई रेडिएशन जो अर्थ जैसे मैंने आपको फर्स्ट पिक्चर में दिखाया था सन से जितनी रेडिएशन आ रही है उसमें थोड़ी रेडिएशन वापस भी जा रही है और बाकी ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो ट्रैप कर रही हैं लेकिन ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएंगी तो बहुत ज़्यादा क्या होगा इतनी रेडिएशन आ रही है और उतनी एब्जॉर्ब हो रही है तो टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ पर लाइफ पॉसिबल अर्थ पे नहीं होगी तो देखिए रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रोसेस क्या होगा देखिए इतना टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ हो रहा है कि जो वाटर बॉडीज़ हैं वो गर्मी से और ज़्यादा इवेपोरेट हो रही है और वाटर जो है वो क्या बन रहा है वाटर वेपर अब वाटर वेपर बनेगा तो मैंने आपको बताया वाटर वेपर खुद में ही ग्रीन हाउस गैस है तो वाटर वेपर और रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा और टेम्परेचर इंक्रीज होगा जितना पानी पीछे बचा है वो भी इवेपोरेट होगा और वाटर वेपर बनाएगा तो आप समझ रहे प्रोसेस कि वाटर है यहाँ पे आपका टेम्परेचर बार बार ग्रीन हाउस इफेक्ट से बहुत इंक्रीज हो रहा है वाटर इवेपोरेट होके वाटर वेपर बना रहा है और ये वाटर वेपर्स क्या करते हैं और ग्रीन हाउस गैस है टेम्परेचर uh, इनकी वजह से और इंक्रीज होगा तो ये आपका रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता जाएगा तो रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट एक इस वजह से हो सकता है वाटर वेपर अगर ज्यादा बनने लग जाए वाटर कन्वर्ट होने इवेपोरेशन ज्यादा होने लग जाए दूसरा टेम्परेचर आपका इस तरह से इंक्रीज़ हो जाए कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस एटमॉस्फेयर में होने लग जाएँ और उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी रॉक्स में सरफेस में अभी बंदी पड़ी है एब्जॉर्ब है वो रिलीज होने शुरू हो जाए राइट या बाय प्रोडक्ट्स जो हैं और ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस बनने लग जाएँ तो वो भी आपका रन अवे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हो जाएगा कि हम इतनी रेडिएशन एब्जॉर्ब जितनी कर रहे हैं उतनी सॉरी uh, जितनी आ रही है रेडिएशन सन से हम बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं और अर्थ का टेम्परेचर बिल्कुल इंक्रीज करता जा रहा है तो ये आपका रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट माना जाएगा अब इन सब चीजों का ये इम्पैक्ट आपका ग्लोबल वार्मिंग अगर हो गई तो ग्लोबल वार्मिंग का अगर हवे ये सब इफ़ेक्ट हो रहे हैं अर्थ को इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है तो क्या इम्पैक्ट होगा आपके आइस कैप्स मेल्ट होने लग जाएंगे क्लाइमेटिक इवेंट्स आपके एक्सट्रीम दिखने लग जाएंगे इन्वामेंट आपका डिग्रेड होगा ह्यूमन बींग्स में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होने लग जाएंगे लाइफ बहुत जगह जो है प्लांट लाइफ वो ख़त्म होने लगेगी तो बायोडावर्सिटी लॉस होगा और कोई फूड सिक्योरिटी भी नहीं रहेगी धीरे धीरे जिस तरह से मैंने बोला सिटीज़ जो हैं आपकी कोस्टल सिटीज़ वो पानी में बह जाएंगी राइट right? तो आप देख सकते हैं कि इसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट ह्यूमैनिटी पे ह्यूमन लाइफ पे हमको देखने को मिलेगा तो अभी तक हमने पढ़ा पूरी तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग उसके कॉजेज इम्पैक्ट ग्रीन हाउस गैसेस राइट अब देखिए ये सवाल 2016 में आया था व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल इट इज़ एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल फॉर गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर्स टू अंडरस्टैंड क्वान्टिफाई एंड मैनेज ग्रीन हाउस गैस इमिशंस ये पहला है कि एक इस तरह का अकाउंटिंग टूल है गवर्नमेंट और बिजनेस लीडर्स के लिए कि अल्टीमेटली हमको मैनेज पहले तो देखना है कितने ग्रीन हाउस गैस हम कर रहे हैं और फिर मैनेज करना है दूसरा इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस टू ऑफर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस की यूनाइटेड नेशंस का कोई इनिशिएटिव है फाइनेंशियल जो डेवलपिंग कंट्रीज को दिया जा रहा है कि आप ग्रीन हाउस गैसेस को कम करो इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट रेटिफाइड बाई ऑल द मेम्बर कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन इट इज़ वन ऑफ द मल्टी लेटरल आर ई डी डी प्लस इनिशियेटिव होस्टेड बाई वर्ल्ड बैंक तो अब आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हमने ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल पढ़ा है राइट right? तो इसका पहला वाला है राइट आंसर यही हमने उसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि कंट्रीज सिटीज कंपनीज़ को हम बोल रहे हैं तो ये सारी कंट्री सिटीज़ कंपनीज गवर्नमेंट और बिजनेस लीडर्स के अंडर आती हैं तो आप पहले तो जाने कि कितना ग्रीन हाउस अब रिलीज कर रहे हैं और उसको मैनेज कीजिए यूनाइटेड नेशंस ने तो नहीं किया ये तो मैंने आपको बताया था किन ऑर्गेनाइजेशन ने किया कॉमेंट बॉक्स में बताइए राइट right? तो ये आंसर राइट right है दूसरा In the context of mitigating an impending global warming due to anthropogenic emissions of carbon dioxide, which of the following can be the potential site for carbon sequestration? So, first is abundant and uneconomic coal seams, depleted oil and gas reservoirs, subterranean deep saline formation. ठीक है ये कहाँ से और ज़्यादा आपका कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो इसका क्या है राइट right आंसर ये तीनों ही सही हैं हर जगह से अगर आप देखेंगे जहाँ पे कोल सीम्स हैं अनइकोनॉमिक हैं उनको छोड़ दिया गया है ऑयल गैस रिजर्वायर्स हैं डीप से लाइन हैं राइट तो इसका वन ये तीनों स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं तो अभी हमने ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के बारे में पढ़ा ट्राई करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में टोटली अलग से भी पढ़ें क्योंकि देखिए इस तरह की चीज़ें ये जो सीरीज़ है आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी में तो हेल्प मिलेगी प्लस ऐसे अगर आता है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड तो आप बहुत सी चीज़ें लिख सकते हैं बहुत सारा फैक्चुअल इन्फॉमेसन आपके पास प्लस कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगा तो यही था कोई डाउट हो और आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा टी डॉट मी अब्लिक विरोनिका अंडर स्कोर ओम अंडर स्कोर ओम ओके बहुत लोग बोलते हैं कि डेड है अकाउंट तो आप विरोनिका स्टडी आई क्यू करके सर्च कर लीजिए ये आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल थैंक यू